गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम गवर्नमेंट हमारी भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, हम किसको इशू करते हैं और कौन कौन इनको अवेल कर सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? व्हेनेवर गवर्नमेंट गोज आउट ऑफ द फंड्स एंड नीड टू रेज इट फ्रॉम द मार्केट, इट हैज़ टू सोर्सेज। फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल्स एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसका मतलब ये है कि अगर जब भी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि वो ट्रेजरी बिल के थ्रू मनी रेज करे और दूसरा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू। और अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ट्रेजरी बिल वो ऐसा ये बिल्स होते हैं जिसकी मैच्योरिटी इज़ लेस देन वन ईयर, मतलब पैसा आपको एक साल के अंदर अंदर वापस आ जाएगा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जब गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म फंड चाहिए होते हैं तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है और उसका मैच्योरिटी पीरियड इज़ मोर देन वन ईयर। व्हेन द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म लोन देन इट रिसोर्ट्स टू ट्रेजरी बिल, और जब उसको एक साल से ज़्यादा चाहिए होते हैं तो इट गोज़ फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसको हम G-Secs भी बोलते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म अप टू वन ईयर बोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाई सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ एनी कंट्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत सरकार ही इशू करेगी, हर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होता है वो इसको इशू करता है जब भी उसकी गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं। सो और बाई सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ एनी कंट्री विच एनेबल्स इन्वेस्टर टू पार्क देयर शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड्स वाइल रिड्यूसिंग देयर मार्केट रिस्क। अब भाई रिड्यूसिंग देयर मार्केट रिस्क क्यों लिखा है? क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं और एक सॉवरेन बॉडी ने इसको इशू किया है और इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क ज़ीरो होता है। डिफ़ॉल्ट रिस्क मतलब कि ऐसा रिस्क कि हमारी पेमेंट वापस नहीं आएगी, ऐसे ऑलमोस्ट ज़ीरो चांसेस होते हैं, 0% चांस होते हैं। गवर्नमेंट ने पैसे लिए हैं, गवर्नमेंट आपको पैसे वापस देगी ही देगी। दे आर ऑक्शन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट रेगुलर इंटरवल्स एंड इशूड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि डिस्काउंट टू फेस। तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि इस तरीके से कि जब हम बैंक के किसी भी बैंक के पास अपनी फिक्स डिपॉजिट कराने जाते हैं या सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ डिपॉजिट कराए और प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो 6% के हिसाब से एक साल का हो गया 6 रुपये। तो अब आपको एक साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे? 106 रुपये। ठीक है, क्यों? 6% ब्याज दर था, 100 रुपये के 6% से हुए 6 रुपये और आपको मिल जाएंगे साल के अंत में 106 रुपये। बट माई फ्रेंड्स, ट्रेजरी बिल्स के केस में ऐसा नहीं होता, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन ऐसे नहीं, किसी और तरीके से, जो कि है, अब हम समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेजरी बिल, एक बिल की कीमत है 100 रुपये, ठीक है, और गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपको इस पर 6% से ब्याज देंगे, तो 100 रुपये का 6% क्या हुआ? 6 रुपये हुआ था ना, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जब ये बिल इशू करेगी तो आपको बोलेगी कि आप मुझे 100 रुपये मत दीजिए, आप मुझे दीजिए 94 रुपीज़। ये 94 का फिगर कैसे आया? 100 - 6 = 94, ठीक है, आप मुझे 94 रुपीज़ दीजिए, लेकिन जब मैं एक साल बाद आपको वापस पैसे आपके लौटाऊंगी तो वो मैं आपको कितने लौटाऊंगी? 100 रुपये। तो अपने आप ही 6% का ब्याज दर हो गया ना, कैसे? 100 रुपये के ऊपर 6%, 6 रुपये आया था, लेकिन जब आप पैसे देने गए तो आपने 94 रुपीज़ दिए और गवर्नमेंट ने लिख के आपको दिया कि आफ्टर एन ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉमिसेस टू पे यू ₹100। तो बात तो वही हुई ना कि इसके ऊपर दिया 100 रुपये के ऊपर 6 रुपये दिए या 6 रुपये कम दिए और आया आपका फाइनल फिगर 100 रुपये। तो इस तरीके से हमारे ट्रेजरी बिल का इंटरेस्ट मैकेनिज्म काम करता है। ये इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देती बट ये डिस्काउंट पे इशू करती है और फेस वैल्यू, जो उसकी फेस वैल्यू क्या थी 100 रुपये, उस पर रिडीम करती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। इसको फिर से एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल, किस टाइप के ट्रेजरी बिल फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में हुए थे? 1917 में। और तीन टाइप के हैं, 91 डेज की मेचोरिटी, 182 और 364 डेज की मेचोरिटी वाले। बैंक यूजेस ट्रेजरी बिल टू प्लेस देम विद RBI एंड टू गेट मनी अंडर रेपो ऑपरेशन। अब क्या होता है, अगर आपको याद हो, कमर्शियल बैंक को CRR और SLR मेंटेन करना पड़ता है, राइट? अब SLR के अंदर इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़,
ट्रेजरी बिल्स ये सब रख सकते हैं। सो जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो यही वाले होते हैं। इसमें से कोई से भी तीनों हो सकते हैं, बट होते वो यही वाले हैं। और इन ट्रेजरी बिल्स को अगर किसी कमर्शियल बैंक ने ख़रीदा हुआ है तो वो SLR कोटा फुलफ़िल करने के काम भी आती हैं। नेक्स्ट इज कौन कौन ट्रेजरी बिल खरीद सकता है। तो ट्रेजरी बिल कोई भी एक इंडिविजुअल आपके जैसा मेरे जैसा आम व्यक्ति इसको खरीद सकता है, अवेल कर सकता है। कैसे? ई कुबेर प्लेटफॉर्म होता है RBI का, उसके थ्रू ऑक्शनिंग होती है, उसके थ्रू RBI सेल करती है। उस प्लेटफॉर्म पर जाके जब भी गवर्नमेंट इशू कर रही है ट्रेजरी बिल, ये खरीद सकते हैं। फिर ट्रस्ट्स हो गई, फर्म्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गई, कमर्शियल बैंक्स हो गए, ये सब ट्रेजरी बिल्स खरीद सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। हु कैन इशू ट्रेजरी बिल्स, अब कौन इशू करता है। सो आपको यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेज मनी थ्रू ट्रेजरी बिल, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट रेज मनी थ्रू ट्रेजरी बिल। स्टेट गवर्नमेंट को अगर पैसे रेज करने हैं, फंड चाहिए, तो उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसको डेटेड सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं, उसके थ्रू ही इशू करेगी, या फिर उसको स्टेट डेवलपमेंटल लोन बोलते हैं। सिर्फ दैट इज़ द ओनली मैकेनिज्म अवेलेबल विद स्टेट गवर्नमेंट की, जिससे वो फंड्स रेज कर सकती है। अगर ट्रेजरी बिल्स के थ्रू पैसे रेज करने हैं तो सिर्फ वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट अलाउड टू इशू देम। सिंस दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट, देर इज़ ज़ीरो डिफ़ॉल्ट रिस्क। गवर्नमेंट ने इशू किए तो कोई डिफ़ॉल्ट के चांसेस हैं ही नहीं, और इसलिए इनको गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ भी बोला जाता है। फाइन, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ट्रेजरी बिल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, और स्पेशली इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म, कि ये इंटरेस्ट 100 रुपीज़ के ऊपर नहीं बल्कि फेस वैल्यू से कम डिस्काउंट वैल्यू पे इशू किए जाते हैं। और फिर मैं आपको वीडियो वाइंड अप करने से पहले याद दिलाऊंगी कि आपको रिवाइज़ करना है वीडियो ख़त्म होने के बाद, सो दैट आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं दिमाग में। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो माई फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।